असलम एंड वेलकम टू जर्मनी फॉर स्टूडेंट चैनल आज जर्मन लैंग्वेज कोर्स ए टू लेवल का लेसन नंबर उनतीस है और लेसन नंबर उनतीस में हम एक बहुत बड़े टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है पैसिव इन जर्मन पैसे वॉइस एक बहुत बड़ा टॉपिक है जर्मन लैंग्वेज में और आज के लेसन के अंदर हम प्रजेंट टेंस के अंदर देखेंगे कि हम जर्मन लैंग्वेज में पैसे वॉइस को कैसे बना सकते हैं जर्मन लैंग्वेज में पैसे को बनाने के लिए हमें एक वर्ब की जरूरत होती है जो कि है वेर्डन, इस वेर्डन को क्योंकि हमें हर सेंटेंस में पैसिव के यूज करना होता है इसलिए इसकी सबसे पहले हम कॉन्जुकेशन देखते हैं कि वेडन की कॉन्जुकेशन डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिहाज से क्या है अगर हमारे पास सब्जेक्ट इश है तो वेडन हो जाएगा वेडे दो सब्जेक्ट है तो हमारे पास जो वर्डन की कॉन्जुकेशन होगी वो होगी वेग जी जिसका मतलब है आप उसके लिए वेडन वेडन ही रहेगा एर, जी, एर जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसके लिए हमारे पास वेर्डन की कॉन्जुकेशन होगी वेड वियर के लिए वेर्डन वेर्डन ही रहेगा अगर हमारे पास सब्जेक्ट ईयर है जिसका मतलब है तुम लोग तो उसके लिए हमारे पास वेर्डन की कॉन्जुकेशन हो जाएगी वेर्ड़। वेर्ड़। जी, आप लोग उसके लिए वेडन वेर्डन ही रहेगा और जी जिसका मतलब है वो लोग आ, इंग्लिश में जैसे कहते हैं दे तो उसके लिए हमारे पास वेडन वेरडन ही रहेगा अब हम देखते हैं थोड़ा सा एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस के अंदर फ़र्क क्या होता है तो अभी तक हमने जितने भी सेंटेंसेस किए हैं जितने भी एग्जाम्पल्स की हैं उसमें हमने एक्टिव वॉइस को यूज़ किया है एक्टिव वॉइस की एक अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ तो माइन ब्रूडर रेपागीट उन मेरा भाई हमारी गाड़ी को रिपेयर करता है या ठीक करता है अब इस सेंटेंस में हमारे पास ब्रूडर सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस है और रेपागीगन एक वर्ब है जिसका मतलब है टू रिपेयर और उन्जर हमारी गाड़ी अब हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस के अंदर जो फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है तो एक्टिव वॉइस के अंदर जो हमारा फोकस होता है वो होता है एक्टर के ऊपर कि कौन क्या कर रहा है तो यहां पे अगर हम क्वेश्चन करें वेर उन्सर आउट हो? तो वेर जो है है उसके ऊपर हमारा फोकस होता है, एक्टिव सेंटेंसेस के अंदर तो वेर का आंसर होगा माइन ब्रूडर क्योंकि माइन ब्रूडर यहाँ पे एक्टर है या सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमारे पास हमेशा होता है नोमनाटिव केस में तो नोमिनाटिव केस को हम फोकस करते हैं एक्टिव सेंटेंसेस के लिए और अब देखते हैं कि पैसिव वॉइस में इसको आ, हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव के अंदर हम आ, इसी सेंटेंस को यूं लिख सकते हैं हमारी गाड़ी रिपेयर हुई है या हमारी गाड़ी रिपेयर की जा रही है उन्जर आउटो अब क्या हो रहा है तो इसमें अगर हम क्वेश्चन करें वेड रेपागीट वस से मुराद है हमारी उन्जर आउटो तो फोकस जो हमारा है वो हमारा है उन्जर आउटो के ऊपर अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक एक्टिव सेंटेंस है उसको हमने पैसिव में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है पैसिव वॉइस के लिए हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहली पोजीशन पे हमारे पास सब्जेक्ट आता है उसके बाद दूसरी पोजीशन पे हम वर्डन well वर्ब को यूज करते हैं और ये वेर्डन well जो है वही है जो अभी हमने पिछली स्लाइड में इसकी कॉन्जुकेशन देखी है अब इस वर्डन well को हम सब्जेक्ट के लिहाज से कॉन्जुकेट करेंगे दूसरी पोजीशन पे रखेंगे और थर्ड पोजीशन पे हमारे पास कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन सेंटेंस के बारे में अगर है तो उसको हम रखेंगे अगर नहीं है तो फिर थर्ड पोजीशन जो है उसकी जगह पे हम पार्टिसिप्स वाई पार्टिसिप्स वाई जो है वो जुमले की आखिरी पोजीशन के ऊपर आएगा अगर हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो थर्ड पोजीशन पे हम एडिशनल इंफॉर्मेशन रखेंगे और अगर हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो पार्टिसिप्स वाई जो है वो सिंपली हमारे पास वेरडन के फौरन बाद आ जाएगा जैसे हमने ऊपर वाले जुमले में यूज़ किया उनसर आउटो वेग्ड रेपागट हमारी गाड़ी रिपेयर की जा रही है तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करके हमें पैसे वॉइस को बनाना होगा अब हम एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं एक चीज़ और जो हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैसे वॉइस के लिहाज से और हमें उसके ऊपर बहुत फोकस करना होगा वो ये है कि हमें जो जर्मन लैंग्वेज में अक्साटिव नोमनाटिव केसेस हैं उनका बड़ा अच्छे तरीके से पता होना चाहिए तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं मैंने एक सेंटेंस एक्टिव में भी लिखा है क्योंकि अभी तक हम एक्टिव वॉइस में ही सारी एग्जांपल्स करते आए हैं तो अभी हम जब इनको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हमें किस तरह से पैसिव में कन्वर्ट करना होता है तो एक्टिव अगर एक सेंटेंस है आइन आस्ट उन्टर जूट इन एक डॉक्टर उसका मुआयना करता है अब इसमें जो सब्जेक्ट है वो नोम है वो है आइन और दूसरी पोजीशन पे वर्ब है उंटर्जूखन, आ, उंटर्जूखन का मतलब है मुआना करना और थर्ड पोजीशन पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है इन इन जो है वो पर्सनल प्रोनाउन होता है एयर का अकुजाटिव केस में तो क्योंकि डॉक्टर जो है उसका मुआना कर रहा है तो वो जो है वो लड़का इस जुमले में ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस है ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस हमेशा हमारे पास अकोजाटिव होता है अब अगर इस जुमले को हम पैसिव में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा एयर वूक uh, बहुत कॉम्प्लिकेटेड शुरू में शायद आपको लगे लेकिन इसको अगर हम वही फॉर्मूला जो पिछली स्लाइड में हमने देखा है कि सब्जेक्ट जो है वो पहली पोजीशन के ऊपर आएगा और सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास होगा एयर अब एयर जो है वो कहाँ से आया है इस एयर से क्या मुराद है जो हमारे पास एक्टिव में ऑब्जेक्ट था उसको हमने पैसिव में सब्जेक्ट बनाना है और इन का जो सब्जेक्ट है वो होता है एयर क्योंकि यहाँ पे हमने नोमिनाटिव केस में यूज करना है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमेशा नोमिनाटिव केस में ही होता है तो इसलिए हम यहाँ पे एयर यूज करेंगे इन यूज़ नहीं करेंगे ऊपर वाले जुमले में इन इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ऊपर वाला जुमला एक्टिव है और एक्टिव में जो इन है वो ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस हमारे पास अकुजाटिव होता है इसलिए हमने इन का इस्तेमाल किया है एक्टिव में इन जो है वो अकुजाटिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है इसलिए हमने वहां पे इन या जो अकोजाटिव की फॉर्म है एयर के लिए पर्सनल प्रोनाउन वो यूज किया है अब पैसिव में हमने क्या करना होता है हमने जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव का उसको एज अ सब्जेक्ट यूज करना होता है पैसिव में तो पैसिव में क्योंकि एज अ सब्जेक्ट यूज करना होता है तो इसलिए सब्जेक्ट क्योंकि नोमिनाटिव केस होता है इसलिए हम नोमनाटिव फॉर्म लेंगे तो नोमिनाटिव फॉर्म इन की जो होती है वो होती है एयर फिर सेकंड पोजीशन पे हमारे पास वर्डन आएगा वर्डन को हम एयर के हिसाब से कॉन्जुगेट करें तो वो होता है वेग्ट. उसके बाद हमने फोन एक्टिव सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट होगा वो हमारे पास फोन के बाद आ जाएगा तो हमारे पास सब्जेक्ट था एक्टिव में आइन आग तो इसको हमने आइनम आगस्ट क्यों किया है क्योंकि हमने यहाँ पे फोन की प्रेपोजिशन इस्तेमाल की है फोन क्योंकि एक डाटिव प्रेपोजिशन है और डाटि प्रेपोजिशन के लिए मास्क्यूलिन नाउन आग के लिए जो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है वो होता है आइनम और पार्टिसिप्स वाई फॉर्म जो है वो हमने यूज़ की है उनटरजूखन की उनटरजूखन की जो पार्टिसिप्स वाई फॉर्म होती है वो उनटरजूख ही होती है तो एर विग्ड फोन आइनम आस्ट उनटरजूख और एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको इसमें क्लैरिटी आएगी मजीद एक्टिव में एक एग्जांपल है डे स्टूडेंट फिल्ड द फॉर्मूलार आउस स्टूडेंट फॉर्म को फिल करता है अब इस सेंटेंस में हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट है डेर स्टूडेंट और ऑब्जेक्ट है हमारे पास दस फॉर्मूलार क्योंकि फार्मूला फिल किया जा रहा है इसलिए इसके ऊपर हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जिस चीज़ के ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रहे हो वो हमारे पास होता है अकुजाटिव uh, में और वो होता है ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस अब पैसिव बनाने के लिए हमने जो फॉर्मूला यूज करना है वो ये है कि हम ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे और सब्जेक्ट में जब दस फॉर्मूलार आएगा तो वो दस फार्मूलार ही रहेगा क्योंकि जो हमारे पास अकुजाटिव केस में अगर हम एक्टिव सेंटेंस को देखें तो दस फार्मूला हमारे पास अकुजाटिव केस में है लेकिन क्योंकि दस जो आर्टिकल है वो अकुजाटि में भी दस ही रहता है और नोमिनाटिव में भी दस ही रहता है तो इसलिए दस फार्मार दस फार्मार ही रहेगा मतलब यहाँ पे आपको चेंज नजर नहीं आ रही ऑल दो के यहाँ पे दस फार्मार पैसे में एज आ सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा फिर सेकेंड पोजिशन पे हमारे पास आएगा वेल्डन और उसको हम दस फार्मार के हिसाब से कॉन्जुकेट करेंगे तो वो हो जाएगा वेग अब फोन

हम अपने दोस्तों को खाने पे इनवाइट करते हैं हम क्योंकि इनवाइट करते हैं इसलिए हम जो है वो सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस है नोमिनेटिव और हम अपने दोस्तों को इनवाइट कर रहे हैं तो जो हमारे दोस्त हैं वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस हैं सुम एसन जो है वो इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि हम दोस्तों को किस चीज़ के लिए इनवाइट कर रहे हैं अब इसको अगर हम पैसिव में कन्वर्ट करें तो हम जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा उसको हम पैसिव में सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो उनके उनइडे ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस से सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस में कन्वर्ट हुआ है लेकिन जो फ्रॉइंडे है वो एक प्लूरल नाउन है उसके लिए जो अकुजाटिव में जे की एंडिंग होगी वही जो उनजरे की एंडिंग हम नोमाटिव केस में भी यूज करते हैं तो इसलिए हमें ऊपर वाली एग्जांपल की तरह जैसे दस फार्मूला दस फार्मूला ही रहा हमें जाहिर तौर पे चेंज नहीं हो फील हो रहा लेकिन हमने यहाँ पे नो अकुजाटिटिव केस को केस में कन्वर्ट किया है पैसिव में पैसे मेंजगे फिर हमने वेडन को वेडन ही रखा है क्योंकि प्लूरल नाउन है फ्रोंडे तो प्लूरल के लिए वेडन वेडन ही रहेगा अब हमने देखना है कि हमने फोन ऑनस इस्तेमाल करना है क्योंकि फोन जो है वो एक डाटिव प्रीपोजिशन है इसलिए इसके बाद के जो सेंटेंस का हिस्सा है उसके ऊपर हमने डाटिव के रूल अप्लाई करने हैं तो वेयर को अगर हम पर्सनल प्रोनाउन को डाटिव में देखें तो वो हमारे पास होता है उन्स। उन्स के उन्स के फोन एसन जो है वो इट इज आ जाएगा क्योंकि ये एक सिंपल एडिशनल इंफॉर्मेशन है और जुमले की आखिरी पोजिशन पे हमने आइन गे लाडन जो के पार्टिसिप पार्टिसिपाई फॉर्म है आइन लार्डन की वो इस्तेमाल किया है और एग्जांपल देखते हैं एक्टिव वॉइस में डी पोलि कॉन्ट्रोलियट डी गाइड पुलिस स्पीड को कंट्रोल करती है या पुलिस स्पीड की को चेक करती है अब यहाँ पे सब्जेक्ट है डी पुलिस ऑब्जेक्ट है डी गाइड और कॉन्ट्रोलियट जो है वो वर्ब है जो कि सेकंड पोजीशन पे पुलिसाई के हिसाब से कॉन्जुगेट होके आया है कॉन्ट्रोलीगन पैसिव में अगर हम कन्वर्ट करें तो ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस को हम सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस बनाएंगे यहाँ पे भी आपको चेंज कोई नज़र नहीं आ रही होगी ऑल्डो uh, दो के uh, जो किशविंडी काइट है वो एक फैमेनिन नाउन है जिसका अकूज आर्टिव में भी डेफिनेट आर्टिकल डी होता है और नोमिन आर्टिव में भी फैमिनिन uh, नाउन का आर्टिकल डी ही रहता है इसलिए यहाँ पे आपको डी काइट डी का काइट ही रहेगा आपको कोई इसमें चेंज नजर नहीं आ रहा सेकेंड पोजिशन पे हमारे पास वेडन वर्ब को हम यूज करेंगे इसको हम कॉन्जुकेट करेंगे डी का काइट के हिसाब से तो ये हो जाएगा वेड फिर हम फोन का इस्तेमाल करेंगे और फोन का इस्तेमाल करने के बाद हम जो एक्टिव में हमारे पास सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस है वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फोन के बाद तो फोन phone... डेर पोल अब यहाँ पे फोन क्योंकि डाटि प्रपोजिशन है तो डेफिनेट आर्टिकल जो डी फैमिन नाउन के लिए आ, होता है हमारे पास डाटिव केस में वो होता है डेर फोन डेर पोलिई कॉन्ट्रोलियर डी फोन के अब हम इसकी कुछ फर्दर uh, एग्जाम्पल देखते हैं और एक डिफरेंट uh, वेराइटी इसके अंदर लेके आते हैं क्योंकि हमारे पास डिफरेंट के अंदर होती हैं uh, अब एक जुमला है एक्टिव में ब्रमजन बंदा ब्रेक्स को चेक करता है या आदमी ब्रेक्स को चेक करता है ब्रमजन कहता है जो uh, गाड़ी की ब्रेक्स होती हैं उनको ब्रैमजन कहते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम इंग्लिश uh, लैंग्वेज में जैसे वन शुड नॉट डू दैट वन शुड ईट हेल्दी फूड तो जैसे हम उर्दू में कहते हैं बंदे को ऐसा नहीं करना चाहिए बंदे को हेल्दी फूड uh, खानी चाहिए एटसेट्रा तो इस तरह जर्मन में ये मन का वर्ड यूज होता है और ऐसे तमाम जुमले जिनमें मन का वर्ड यूज हो रहा हो एक्टिव में उसको बनाने के लिए हमें पैसिव में जो मन है वो उसको एक तरह से खत्म कर देना होता है उड़ा देना होता है तो यहाँ पे भी लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही रहेगा हम जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस है उसको हम पैसिव में सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस के तौर पे लेंगे तो डी ब्रैमजन और उसके बाद हमारे पास सेकंड पोजीशन पे आएगा वेडन वर्ब तो ब्रमजन क्योंकि प्लूरल है इसलिए वेर्डन, वेर्डन ही रहेगा और जुमले की आखिरी पोजीशन पे हम सिंपली जो वर्ब है उसकी पार्टिसिप फॉर्म यूज कर देंगे तो प्रूफन वर्ब की जो पार्टिसिप स्वाई फॉर्म है वो है गे प्रूफ दर्डन गे प्रूफ ब्रेक्स को चेक किया जाता है एक्टिव में अगर हमारे पास एक सेंटेंस है इन इस्ट फील जर्मनी में लोग बहुत ज्यादा ब्रेड खाते हैं अब ऐसा जुमला जिसमें कोई प्रेपोजिशन वगैरह आ रही हो वो प्रेपोजिशन एज इट इज ही रहेगी जैसे इन और उसके बाद वाला जो हिस्सा है इन डॉयचलैंड इन डॉयचलैंड इन डॉयचलैंड ही रहेगा और उसके बाद हम देखेंगे कि वेडन की कंजुगेशन uh, को इस्तेमाल करेंगे इन डॉयचलैंड वेग्ड फील ब्रोट गेगेसन गेगेसन जो है वो पार्टिसिप्स वाइ फॉर्म है एसन की और इसको हमने जुमले की आखिरी पोजीशन पे इस्तेमाल किया है नेक्स्ट एग्जांपल मन वेक्सल्ट डी राइफन बंदा टायर्स तब्दील करता है वेक्सल है 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 जिसका मतलब तब्दील करना करना और राइफन, राइफन जो पे again, plural noun है, तो तो कहते हैं टायर्स को इसको अगर हमने में कन्वर्ट करना हो तो होगा क्योंकि ऊपर वाले एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है इसलिए में ये

बंदा यहाँ पे एक नया रेलवे स्टेशन बनाता है अब इस जुमले को अगर हमने पैसे में कन्वर्ट करना है तो से ही हम स्टार्ट करेंगे और पे पे हम से, से, सेकंड पोजीशन कॉन्जुगेट करेंगे और सेकंड पोजीशन पे रखेंगे और यहाँ पे हम जो आइनन नोयन बान होफ है ऊपर वाले जुमले में ये हमारे पास ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है इसलिए हमने डर बान हफ के लिए जो इनडेफिनेट uh, आर्टिकल है उसके लिए भी की एंडिंग इस्तेमाल की है और जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए भी अकुजाटिव की एंडिंग इस्तेमाल की है आइनन बान लेकिन पैसिव में क्योंकि ये सब्जेक्ट uh, के तौर पे इस्तेमाल होगा इसलिए हम इसकी जो नो वाली अः इनडेफिनेट आर्टिकल है वो इस्तेमाल करेंगे और नोमिनाटिव वाला ही इस्तेमाल करेंगे तो ये होगा यहाँ पे एक नया बान हो बनाया जाता है तो ये हमारे पास पैसे वॉयस था अगर आपको समझ आई है तो बहुत अच्छी बात है हम आगे वाले लेसन के अंदर भी पैसे वॉयस को ही कॉन्टिन्यू करेंगे ताकि इसके अंदर हम डिफरेंट वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस को एग्जाम्पल्स के साथ समझ सकें तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट में पुट करें इसकी आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सो देट यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली इसलिए अपने तौर पे भी आप इन्हीं जुमलों को आगे पीछे करके आ, जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको आ, इस टॉपिक की बहुत अच्छी तरह से समझ आ सके बहुत इंपॉर्टेंट है और जर्मन लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है इसलिए इसके ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए आने वाले लेसन के अंदर भी हम पैसिव को कंटिन्यू रखेंगे ताकि आपको मज़ीद इसके अंदर अच्छी तरह से समझ में आ जाए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़